नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सिलीगुड़ी में पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर ने पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का दिया आदेश। अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी पुलिस थानों को तैयार रहने का निर्देश। पत्थरघट्टा में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना, एक झलक पाने के लिए फैंस की उमड़ी भीड़। लाइसेंस प्राप्त विदेशी शराब की दुकान को बंद करने की मांग में महिलाओं ने आमबाड़ी में किया सड़क जाम एवं विरोध प्रदर्शन। रंगारंग शोभा यात्रा के माध्यम से सिलीगुड़ी के 19 नंबर वार्ड में वार्ड उत्सव उर्षी का हुआ शुभारंभ। 20 जनवरी से 26 जनवरी तक विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन। असम से सिलीगुड़ी आए एक युवक का मोबाइल फोन हुआ छीनताई, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, युवक को लौटाई फोन। भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से सिलीगुड़ी के 11 नंबर वार्ड में वार्ड उत्सव गीत अंजलि का हुआ शुभारंभ। राजगंज ब्लॉक अंतर्गत बिनागुड़ी ग्राम पंचायत के साहूडांगी मोड़ से हथिया डांगा तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य हुआ शुरू। सिलीगुड़ी नगर निगम के 1 नंबर वार्ड में वार्ड उत्सव नवोदय का हुआ आगाज, निकाली गई रंगारंग शोभा यात्रा। अलीपुर द्वार में शिक्षकों की अनूठी पहल, ठंड को ध्यान में रखते हुए अपने वेतन के रुपए से विद्यार्थियों में बांटे शीत वस्त्र। 22 जनवरी को जलपाईगुड़ी में स्थापित होगी 22 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा उद्यापन समिति के तत्वाधान में मूर्ति बनाने का कार्य जोरों पर। हैमिल्टनगंज रेंज की तरफ से समस्त वन सुरक्षा कमेटी के साथ की गई बैठक। बक्सा बाग प्रकल्प अंतर्गत बुथरी वन बस्ती के निवासियों ने पुनर्वास देने के बाद ही स्थानांतरण करने की मांग। कालचीनी गोरखा माघ मिलन उत्सव का हुआ भव्य आगाज, गोरखा संप्रदाय के विभिन्न जनजाति का दिखा संगम। अलीपुर द्वार जिला अंतर्गत कुमार ग्राम ब्लॉक स्थित तुरतुरी चाय बगान में जिला प्रशासन की तरफ से समस्या समाधान जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित। रैपिड टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ टाइम्स।